हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत पाक के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन सीमा पर बसे लोगों के रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं रही। यही वजह है कि यहाँ के लोगों में हमेशा से रोटी बेटी का नाता रहा है। ये लौटे भारत बाड़मेर के गरीब निवासी महेंद्र सिंह की पत्नी छगन बाई, जो पाक के सिरोही छोर स्टेशन निवासी है। इसी तरह जैसलमेर निवासी नेपाल सिंह की पत्नी कैलाश बाई पाक निवासी है। इसके अलावा विक्रम सिंह की सास मोर कवर है। इसके अलावा 2 वर्षीय बेटा राजवीर सिंह भी साथ में आ रहा है। इस तरह कुल 4 लोग आज वाघा बॉर्डर से भारत आएंगे। जैसलमेर और बाड़मेर के 2 दूल्हे ऐसे भी हैं जिन्होंने जनवरी 2019 में पाकिस्तान के सिंध में शादी रचाई थी, लेकिन 1 माह बाद ही पुलवामा हमले से तनाव बढ़ गया। तब से दुल्हने वीजा नहीं मिल पाने के कारण पाकिस्तान में ही थी। शादी के बाद दुल्हों ने पाकिस्तान में ही रुककर इंतजार किया। उनके साथ बारात में गए लोग भी वहीं ठहरे रहे ताकि दुल्हन की विदाई करवा कर ही लौटे, लेकिन पाकिस्तान ने वीजा नहीं दिया। थक हार कर उन्हें अकेले लौटना पड़ा। इन 2 सालों में 2 दुल्हनों के परिजन नेताओं से लेकर सरकारों तक चक्कर काट निकल रहे थे, लेकिन अब 2 साल बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पाकिस्तानी दुल्हनें सुबह 11 बजे वाघा बॉर्डर से भारत लौटेंगी। जिस पर जैसलमेर जिले के बाया गांव के नेपाल सिंह का रिश्ता पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ। थार एक्सप्रेस से भारत लेकर पाकिस्तान गए नेपाल सिंह की शादी 26 जनवरी 2019 को हुई। इसी तरह बाड़मेर जिले के गरीब क्षेत्र के महेंद्र सिंह अप्रैल 2019 शादी के लिए बारात लेकर पाकिस्तान गए। 16 अप्रैल को उनकी भी शादी हुई। दोनों दूल्हे अपनी दुल्हनों के साथ आना चाहते थे, लेकिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हो गया। इसके कुछ दिन बाद भारत ने बदला लेते हुए पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार आ गई, जिस वजह से 2 देशों के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए थम गए। वहीं दूल्हे हालात सामान्य होने के इंतजार में 3-4 माह तक पाक में रुके ताकि दुल्हनों के साथ विदा हो, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला। आखिरकार दूल्हों को बिना दुल्हनों के ही भारत लौटना पड़ा। वहीं पिछले 2 साल से वीजा के इंतजार में पाकिस्तान में फंसी दुल्हनें आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने ससुराल भारत लौटेंगी। मेघवाल बता दे कि भारत पाक के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन सीमा पर बसे लोगों के रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं रही। यही वजह है कि यहाँ के लोगों में हमेशा से रोटी बेटी का नाता रहा है। ये लौटे भारत बाड़मेर के गिराब निवासी महेंद्र सिंह की पत्नी छगन बाई, जो पाक के सिनोही छोर स्टेशन निवासी है। इसी तरह जैसलमेर निवासी नेपाल सिंह की पत्नी कैलाश बाई पाक निवासी है। इसके अलावा विक्रम सिंह की सास मोर कवर है। इसके अलावा 2 वर्षीय बेटा राजवीर सिंह भी साथ में आ रहा है। इसी तरह कुल 4 लोग आज वाघा बॉर्डर से भारत आएंगे। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।